right. Don't feel like having a Bud Light, house tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can do. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब सारे अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल DIY जो है हैंगिंग शेल्फ़। ये हैंगिंग शेल्फ़ अगर हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली मिल जाती हैं, पर यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने पास पड़ी हुई पुरानी कार्डबोर्ड से ये कैसे तैयार की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड और इसको मैंने ड्रिल की हेल्प से जो है इसके चारों तरफ मैंने ये होल बना लिए हैं। आप इन होल को थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमने करना है इस पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं पेंट। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एशियन पेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट कोट करूँगी इसके ऊपर और उसके बाद में मैं इसको पेंट करके और इसको हमने 7-8 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको प्रॉपरली इसको हम लोग सूखने देंगे। तो यहाँ करते हैं हम पेंट शुरू। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो मैंने 2 शेल्फ़ बनानी है। हैंगिंग शेल्फ़ जो बनाऊंगी मैं 2 बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पर अपना पेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग भी करनी पड़ेगी हमें, तो सबसे पहले हम इस पर पेंट करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे 7-8 घंटे। उसके बाद हम लोग इसकी फिनिशिंग करेंगे। अब हमारा कलर हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में हम करते हैं ये फिनिशिंग का काम। ये साइड में से आप देख सकते हो ये काफ़ी जो है तीखे से इसके कॉर्नर निकले हुए थे, जिसको हम इक्वली करके जो है बहुत ही स्मूथ बनाएंगे। और जो थोड़ा सा रफली होता है उसको हमने सोचा कि उसको बिल्कुल हम लोग इसको स्मूथ करके, और ताकि ये देखने में बुरी ना लगे, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। इसके कॉर्नर वगैरह हम लोग तैयार कर रहे हैं और साइडों से भी इसको हम चारों तरफ से ही इसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं इसको हम फिनिशिंग दे रहे हैं। इससे ये बिल्कुल जो है बिल्कुल जैसे बाज़ार से आई हुई है, बिल्कुल मार्केट की घर पे बनाई हुई है, बिल्कुल ऐसी नहीं फील होगी। तो थोड़ी सी फिनिशिंग करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर हमने जो है फिनिशिंग का काम ख़त्म कर दिया है। और अब मैं करूँगी सेकंड कोट अपने पेंट का। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑयल वाइट पेंट जो सेकंड कोट कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट कोट में जो है इसमें इतने ज़्यादा ये मतलब अच्छा नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसको ऑयल पेंट करते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग प्लांटर वगैरह भी रखेंगे तो पानी वगैरह थोड़ा सा गिरेगा ही, इससे हमारी जो ये लकड़ी है ये ख़राब ना हो। इस वजह से मैंने इस पर ऑयल पेंट किया है। अब तो फाइनली पेंट होके तैयार हो गई है। अब करते हैं हैंगिंग शेल्फ बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है ये रोप। आप किसी तरह की भी रस्सी ले सकते हैं यहाँ पे जो आपके घर पे हो। मेरे पास भी जो अवेलेबल थी मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। और इसको पहले हमने इसके होल के अंदर डाल लेना है। सबसे पहले हमने इसका जो है मेज़रमेंट करना है कि हमने कितनी बड़ी ये शेल्फ़ बनानी है, मतलब हैंगिंग में कितनी लेंथ रखनी है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको जो ये रोप है इसको कट कर लेना है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये वीट्स मैंने 10 वीट्स आए हैं एक पैकेट में, आई थिंक 20 रुपीज़ का ये पैकेट है और इसी से मैं ये बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मैंने वीट्स इधर की लेफ़्ट में और 2 राइट में करके ये डाले हैं। और इसके बाद में हमने नीचे इसमें एक नॉट लगा देनी है दोनों साइड ही। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। यहाँ पर भी हम इसको रोप को जो है होल में निकाल के और इसमें वीट्स डाल के हम लोग इसको तैयार करेंगे। और ये जो हमने घर पे ही काफ़ी जो है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये समझो आप इसको, जो DIY है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना घर पे बना के। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो आप होल बनाएं इसके अंदर ड्रिल मशीन से, वो थोड़े बड़े बनाएं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम हुई है इसको होल में इस रोप को जो है डालने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है टेप की हेल्प से आगे से एक नोकीले सा बना के जो इसको मैंने किया है फिर अपना मतलब रोप को। और यहाँ पर मेरी जो हैंगिंग शेल्फ है वो ऑलमोस्ट अब डन हो गई है। आपको जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से ही आप ये नॉट नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ मेरी जो हैंगिंग शेल्फ है वो बनकर हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है। और ऐसे ही मैंने दूसरी ये बनाई है हैंगिंग शेल्फ, तो यहाँ मैं थोड़ी सी इसको भी दिखा देती हूँ। वहाँ पर मैंने 2 वीट्स लगाए थे, यहाँ पर मैंने एक साइड में 3-3 वीट्स इसमें लगाए हैं और ये काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। तो फाइनली हमारी यहाँ हैंगिंग शेल्फ तैयार होने वाली है। और अगर ये वीडियो मेरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर आप ऐसे ही बने रहें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। और यहाँ हमारी हैंगिंग शेल्फ हो गई है रेडी। down and call it a free throw. Party foul, party foul. Help her out,